नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। देखिए प्रमुख खबरें। होशंगाबाद जिले के सिमनीवालवा तहसील के ग्राम बाबरीघाट पर प्रशासन के बार बार चेतावनी देने के बाद भी नाप घाट संचालकों द्वारा जान जोखिम में डालकर नाप का संचालन किया जा रहा है। देखना यह है कि अब नाप संचालकों के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। देखिए सिमनीवालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर सीहोर जिले के तहसील रैठी के अंतर्गत ग्राम धनकोटा में छठ पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ग्राम के समस्त महिलाओं ने मिलकर एक जगह छठ माता की पूजा अर्चना की गई। पूजा करीब 3 से 4 घंटे तक चलती रही। इसके बाद समापन किया गया। व्रत में महिला 1.5 दिन का उपवास करती है एवं हले बकरे खेत में नहीं जाती, जिस प्रकार दूसरे दिन व्रत खुलता है। रैठी से नौबत सिंह की रिपोर्ट आज की आवाज। दिल्ली स्थित संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर गिराए जाने के विरोध अब्दुल्लागंज अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम तहसीलदार मुकेश राज को ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व वार्ड नंबर 9 मंडदीप स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर पर अहिरबार समाज समिति, जागरा समाज एकता संगठन, वाल्मीकि समाज समिति, संत रविदास समिति पिपलिया गुंज, संत रविदास कल्याण समिति राहुल नगर, अम्बेडकर सोसाइटी मंडदीप, वाल्मीकि समाज समिति मंडदीप, अनुसूचित जाति के मोर्चा मंडल के पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एकत्रित हुए संत शिरोमणि रविदास मंदिर से गुरु रविदास एवं अम्बेडकर जी के जय जयकारों के साथ रैली निकालकर गांधी चौक पहुंचे। गांधी चौक से मंगल बाजार होते हुए मंडदीप थाना पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मंडदीप नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान, दादा भाई पंचम सिंह, अहिरबार राधेश्याम चिंतामन, हरभजन जागड़े, लक्ष्मण मालवीय मौजूद थे। सिवनीमालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। लाड़कुई क्षेत्र के वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 45 नग सागुन के सिल्लिया राजस्थान ले जा रहे थे। इच्छावर और लाड़कुई वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एक आइसर ट्रक जब्त किया, जिसमें बेशकीमती सागुन की 45 सिल्लियां भरी थी। जानकारी के अनुसार लाड़कुई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत दुर्गा नायक बीट से अवैध रूप से बेशकीमती सागुन का परिवहन करते हुए एक आइसर ट्रक के साथ 45 नग सागुन सिल्लियां पकड़ी, जिसकी कीमत वाहन सहित 3 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। वन परिक्षेत्र लाड़कुई में अवैध वनों की कटाई एवं भू माफिया द्वारा बेशकीमती सागुन को काटकर खेती योग्य भूमि बनाई जा रही, जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी वनों की कटाई एवं अवैध अतिक्रमण पर रोक नहीं हो पा रही है। नरसुलगान से संतोष मीणा की खास रिपोर्ट। 6 बजे करीब मेरे को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ से जंगल से लकड़ी काट के ले जा रहे हैं, ट्रक में भर के ले जा रहे थे। तो मैंने इछावर रंजन साहब को खबर करी। इनका रंजन साहब एक मिनी ट्रक आया सागौन के लट्ठे लेके वहाँ जा रहा है, तो आप उसको जरा पकड़ो। तो उनने एक नादान पे और एक बोर्दी कला पे और एक जो है उनने खुद स्वयं जो है वो अपना नाका जो है वहाँ पे वनोपज अवरोध नाका उस पे बैठे और उसको पकड़ लिया। कितने नग है ये? 45 नग है सागौन के। तो कितने लाख की होगी लगभग ये? गाड़ी सहित करीबन 3 लाख की करीब है ये। गाड़ी 2.5 लाख की गाड़ी मान लो और ये लट्ठे हैं 50,000 के करीब। मुजरिम तो भाग गया। तो गाड़ी करेंगे ना, इसके इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। एक मोबाइल भी मिला है उसकी, निकालेंगे हम CDR, उससे पता चलेगा कि कहाँ का है। कहाँ के जंगल से कटी है ये? कोसमी बीट में कटी है। देखे आए हम लोग के बाद। तो बाहर कोई देखने वाला नहीं था? नहीं, वो स्टाफ जो है वो वहाँ पे अपने जो 2 जुलाई के प्लांटेशन है उसमें गणना के लिए गए थे। मेरा नाम हेमराज पेठारी, अध्यक्ष प्रतिनिधि वन समिति जनपद पंचायत नरसुलगंज। जिस प्रकार देखा गया कि कल वन परिक्षेत्र में एक ट्रक जब्त किया गया जिसमें 45 सिल्लियाँ मिली, लेकिन एक बात निकल के सामने ये भी आई है कि 45 सिल्लियाँ जो जंगल में कटी हैं, कटने के बाद वो व्यवस्थित रखाई हैं, फिर उसके बाद ट्रक आता है भर के ले जाता है, क्या है पूरा मामला, इसमें क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे भी जानकारी लगी है। इछावर से मेरे पास फ़ोन आया था। इछावर वन परिक्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों ने उस ट्रक को पकड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि अभी हमारे लाड़कुई वन परिक्षेत्र अधिकारी जो है मिस्टर PK शर्मा जी, जो सोशल मीडिया पर काम करते रहते हैं, फील्ड में तो जाते नहीं, जब 45 लट्ठे नाके के पास से दुर्गा नायक से अगर कट गए और इच्छावर के अगर वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी अगर पकड़ते हैं, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और अगर वो बाबाई लूट रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, तो वो तो इच्छावर वालों ने पकड़ा। ये तो सोशल मीडिया पे, ये तो भागवत करने में फुर्सत नहीं इनको, ये तो उपदेश देते फिरते हैं। जब देखो, जब फेसबुक पे PK शर्मा नहीं तो
इसमें आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं रेंजर की अनियमितता है या कर्तव्य के प्रति? रेंजर बिल्कुल ये कहें कि काम नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ रेंज में बैठता है और अगर कहीं निकलता है तो सिर्फ गलत काम करने के लिए निकलता है, या तो अतिक्रमणकारियों से पैसे लेने या अतिक्रमण करवाने के लिए, बाकी वन विभाग को बचाने के लिए नहीं। जैसा भी अभी देखा गया कि जैसे ये मामला सामने आया जिसमें एक ट्रक लकड़ी पकड़ाई गई, इससे पहले भी मोटरसाइकिलें जब्त की गई, तो रेगुलर वन कट रहा है, वन में अतिक्रमण हो रहा है, वो रेंजर का इस ध्यान नहीं है, इस पर आपका क्या कहना? देखिए रेंजर को और रेंजर की जो टीम है उन्हें वन विभाग से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने विकास से मतलब है। आज जैसे जो गाड़ी पकड़ाई है तो वन विकास निगम के किसी कर्मचारी ने फोन लगाया था इछावर, ना कि फॉरेस्ट के किसी कर्मचारी अधिकारी ने, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं, वन विकास नहीं वन विनाश करने का काम कर रहे हैं ये। और SDO और DO को भी अपने ऑफिस में बैठते हैं और सिर्फ अपने हित का काम कर रहे हैं, रेंजर ही नहीं इसमें SDO DO को भी लिप्त है। मतलब देखा जाए तो पूरा विभाग इसमें भ्रष्टाचार, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है।